गाइस, माय टू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज कहने वाले हैं कि बहुत ही गंभीर सूचना के बारे में आपको बताने वाले हैं गाइस। जो आपको बता दें कि टेकारी चौक से पहले और खानपुर मोड़ से आगे जो दुर्घटना जो हुई है उस स्थल पर हम लोग आप देख सकते हैं कि जगह पर सारे लोग हैं, प्रशासन अधिकारी सभी लोग इस जगह पर हैं और एक महिला का मृत्यु हो चुका है और गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। जो ट्रैक्टर होता है जो गंदगी साफ करता है उसके द्वारा जो है उसका एक्सीडेंट होकर करीब 3 आदमी घायल है इसमें और एक आदमी जो है एक्सपॉट डेट कर गया है। तो आपको इस ब्लॉग में गाइस बताएंगे। तो आपको पीछे के कैमरा से गाइस दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अफसोस भरी घटना हुआ है। और आज पिठिया का दिन था जो सब्जी उब्जी बिकता है गाइस, तो रास्ते पे साइड से था लगा हुआ मार्केट, तो उस जगह पे जो है आपको ट्रैक्टर से जो है शराब के नशे में था वो पीकर जो है रौंदते हुए, जबकि 3 आदमी घायल इसमें बताया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं खानपुर थाना पड़ता है और खानपुर थाना के जितने भी अधिकारी हैं इस जगह पे मुस्तैद हैं और अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं मिला है, लेकिन हाँ सभी अधिकारी इस जगह पर हैं और उस ड्राइवर को घर के अंदर बंद किया गया है। अब वो गाड़ी मालिक आएंगे, उसके बाद जाके यहाँ पर किसी जो फैसला आएगा, जो प्रशासन अधिकारी इस चीज़ का फैसला देंगे, तो अभी इस चीज़ का इंतज़ार है। आपका पावर है मशीन लेकर के, मशीन लेकर आइए। हाँ ये आज रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, खाना उठ के यहाँ नहीं खाना उठ के आएगा। बड़ा बाबू विपिन कुमार हैं जिन्होंने बता रहे हैं नहीं आना है, हम लोग आपके साथ हैं। बोलिए सुरेश बाबू, अगर आपको लगता है मर्डर करने से फायदा ले लीजिए, ना 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 वैसा जो काम होता कीजिए, हम लोग आपके साथ है। मालिक को बड़ा बाबू का कहना हुआ कि हम लोग आपके साथ हैं और आपको न्याय जरूर मिलेगा और उनका बार बार आदेश हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे विपिन कुमार बड़ा बाबू जो है उम्मीद दे रहे हैं, तो भरोसा है सभी हम लोग भी आप लोग मालिक नहीं हम लोग आपके साथ जो पदाधिकारी नहीं है जी, वरीय पदाधिकारी भी तो हमारा ऊपर है। जैसे कि उन्होंने उम्मीद दिया है तो उम्मीद तो जरूर है सभी लोगों को कि हमारे विपिन कुमार बड़ा बाबू जो हैं थाना अधिकारी हैं जो खानपुर थाना के हैं और आदरणीय जिला पार्षद जी भी आ चुके हैं जगह पे। तो जैसे कि अभी गाइस आपको किसी तरह का निर्णय नहीं आया है और जो मृत्यु है जिनका वो अब बॉडी जो है डेड बॉडी घर पे आ चुका है जैसे कि आपको हमने दिखाया है। और जैसे ही निर्णय आता है तो गाइस आपको फिर से मैं अगली ब्लॉग में जुड़ेंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे प्रशासन अधिकारी सभी लोग हैं, मुस्तैद हैं और ग्रामीण भी सभी लोग यहाँ पर भीड़ लगा रखे हैं और कहीं ना कहीं न्याय का उम्मीद है और न्याय मिलेगा। और प्रशासन अधिकारी का कहना है कि न्याय मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि न्याय ज़रूर मिले। और इस तरह से ड्राइवर लोग जो नशे में होकर गाड़ी चलाते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो, जो इस तरह का नशे में होकर ना चलाएं और ऐसे किसी का घर नहीं उजरे। तो बहुत ही तकलीफ दुख भरी घटना है। तो ऐसे ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और उनको मदद मिल सके जाके आप लोग शेयर करेंगे तो
फिर अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।